तो कल क्या खन्ना ने तुझे फोन पे चिल्ला नहीं रहा था, पर हाँ फ्रेंडली वार्निंग जरूर दे रहा था। तो पार्टी के बाद गौरी से बात हुई तेरी? नहीं यार, मौका नहीं मिला। पर पता है क्या, ये मामला ना बहुत ज्यादा डेलिकेट हो गया है और मेरी टाइमिंग उससे भी ज्यादा डेलिकेट हो गई है। गौरी के मन में मेरे लिए फीलिंग्स है, आई एम श्योर अबाउट इट, और मैं ये साबित करके रहूंगा। पर यार ये अभी वो विंग्स वालों के कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में ना गौरी बहुत ज्यादा उलझी हुई है, पहले वो सब सुलझा लूं। तो आई थिंक हमें अभिमन्यु से बात करनी चाहिए, है ना? जी बिल्कुल नहीं, अभी तू मेरा दोस्त है उसका। अभी ये श्री श्री अभिमन्यु सिंह जी महाराज मेरी लव स्टोरी का सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा विलेन है, और तू उससे हेल्प लेने की बात कर रहा है ताकि जब सब ठीक हो जाए तो वो मेरी लव स्टोरी का हीरो बन जाए। साले तू भी ना। अरे जस्ट अ थॉट डूड, तेरे पास कुछ आइडिया है तो बोल। खन्ना एंड गैंग को थोड़ा सा पटाना होगा, यू नो शिव पांडे का चार्म एंड छी। अबे इडियट, मैं जनरली हैंग आउट पे इनवाइट करने की बात कर रहा हूँ यार। देख जब साथ में पार्टी करते ना तो वर्क प्लेस की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाती है। हाँ यार, नॉट अ बैड आइडिया, पर वो लोग तेरा इनविटेशन मानेंगे? क्योंकि कल के बाद यार माहौल बहुत गर्म लगता है मुझे। सान जब छाए मेरा जादू कोई। सुना यार, चल ना जल्दी, लेट हो गया, चल। ओके, चल 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 चल। तेरे इश्क में विंग्स वाले तीनों भाइयों को मार्क कर दिया। ऑल राइट, तो ये गया प्यारा सा इनवाइट सेंट। तो अब मैं आपको 5 मिनट बाद कॉल करूंगा, समझे? अरे यार कौन है? हाँ जाने मन, 5 मिनट में हम आपके पास होंगे। ओके बाय बाय। अरे आ रहा हूं ना, अबे आ रहा हूं। और पता है बेबी, ये वाला टॉप सिर्फ वहीं के मार्केट्स में अवेलेबल है। तुलिका ये कितने का पड़ा तुमको? अरे भाभी ऐसे प्राइस थोड़े ना पूछते हैं। अब नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब भाभी वो ना मुझे कुछ इसका एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं, मैंने ना अपनी क्रेडिट कार्ड से ओवरऑल शॉपिंग की थी, कुछ अराउंड 70,000 की थी, तो ध्यान नहीं। क्रेडिट कार्ड? हाँ क्रेडिट कार्ड, ये देखो ये होता है क्रेडिट कार्ड, इसको है ना हम शॉपकीपर को देते हैं, उसके पास एक मशीन होती है और उसको ऐसे स्वाइप करता है और बस शॉपिंग कंप्लीट, रुपए देने की भी जरूरत नहीं। भाभी हाँ शिव बोलो। अच्छा तुलिका झूठ कहे तो कहो, ई कार्ड से हम कुछ भी ले सकते हैं और रुपए भी। अब हाँ भाभी, पैसा आपके बैंक में होना चाहिए और शॉपिंग के टाइम पे कैश की नो टेंशन। झूठ कहे तो कहो, ई कार्ड तो बड़ा ही जादुई लगता है, अपने लिए तो ई का इंतजाम करना ही पड़ेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये शिव भी ना कह रहा था कि विंग्स अनलिमिटेड वालों ने कुछ इनफॉर्मल सी पार्टी के लिए इनवाइट किया है। तो फिर तूने क्या कहा? हमें नहीं जाना है और हमने ये बात उसे कह भी दी है। जब वो लोग हमारे परिवार वाले नहीं है, हमारे दोस्त नहीं है, तो झूठ मूठ की पार्टीज करने क्यों जाना? अरे गौरी वो लोग से मिलेगी तो और अच्छा रहेगा ना, वो लोग तुमको पसंद करेंगे तो और भी प्रोग्राम देंगे और काम करेगी, तभी तो पैसा, हमारा मतलब है कि दाम मिलेगा। भाभी आप ना समझ नहीं रही, इन लोगों से मेल जोल बढ़ाना ही नहीं, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, काम नहीं देंगे ना। ना सही गौरी, ये क्या कर रही हो तुम? बेबी रिलैक्स, आई मीन भाभी देखो, अगर उसने पार्टी पे जाने के लिए मना किया तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा ना, उसको फोर्स करने की क्या जरूरत है? तो लिखा थैंक यू। ओके ठीक है। अच्छा मुझे ना थोड़ी देर के लिए सन के कैफे जाना है, मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बनाने का सही तरीका उसके शेफ को मैं ही सिखाऊंगी। और हाँ भाभी अब आप ना रेडी रहना, शाम को हम दोनों साथ में सिटी मॉल जाएंगे शॉपिंग के लिए, मैं आपको ना इसी बहाने क्रेडिट कार्ड कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी बता दूंगी, ठीक है? झूठ कहे तो कहो, वो जादुई कार्ड को ना जादू करते हुए देखने का हमारा भी बहुत मन है। गौरी चलेगी ना? एक्चुअली तो लिखा हमारा ना बहुत सर दर्द हो रहा है, हमने दवाई ले ली है, वैसे अगर तब तक बेटर फील किया तो हम जरूर चलेंगे, लेकिन अगर नहीं तो तुम दोनों हो आना। ओके ठीक है चलो।
तो कैंसिल कर देना विंग्स वालों के साथ यार। अबे तू पागल है क्या यार, एक ईमेल इनविटेशन, तीन टेक्स्ट मैसेजेस, दो फोन कॉल करने के बाद ही सारा प्रोग्राम सेट किया है यार, तू कहता मना कर दूं। अगर मना कर दिया ना तो वो जो खुन्नस खा के बैठे है ना, वो खुन्नस डबल हो जाएगी। हाँ तो अब अबे जाता हूं ना तो गौरी बिना कुछ कहे अपने उस एक लुक से मेरी वाट लगा देगी, और अगर नहीं जाता ना तो ये विंग्स वाले जो अब तक वो फ्रेंडली वार्निंग दे रहे हैं, फ्रेंडली वार्निंग नहीं देंगे, फायर कर देंगे। तू एक काम कर, तू विंग्स वालों के साथ मीटिंग कैंसिल मत कर, तू उन्हें बोल कि गौरी की तबीयत अचानक खराब हो गई। और गौरी को क्या कहूं? देखो तू डिसाइड करना यार, आफ्टर ऑल गौरी को तुझे ढंग से हैंडल करना सीखना होगा अगर तुझे रिलेशनशिप आगे बढ़ानी है तो। हैंडल करना तो सीखना ही होगा, क्या करूं? एक काम करता हूं, गिफ्ट लेके जाता हूं, स्टार्टिंग में स्माइल करा दूंगा तो बाकी की बातचीत तो अच्छे से हो जाएगी। राइट, तो क्या लेके जाऊं, क्या लेके जाऊं? फ्लावर्स? राइट, नहीं यार सिर्फ फ्लावर से काम नहीं चलेगा, कुछ ऐसा लेके जाना चाहिए जो उसके आर्ट, उसकी कला को अपील करे। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा पांडे जी, सोचो। सोचा, नाइस। थैंक गॉड शिव के जाने के बाद तुलिका आई, अब मैं इसके साथ अकेले टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। हाय संत। हाय, प्लीज सिट। So tell me, कैसे हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। In fact, तुम लोगों की सरप्राइज पार्टी के बाद एकदम मस्त हूँ। तुम बताओ, कैफे कैसा चल रहा है? कैफे तो एकदम अच्छा चल रहा है, पर तुम्हारे आने से और रौनक बढ़ गई। Come on, son, you're so funny. अरे सच में? अच्छा चलो, तुम्हारे शेफ को स्ट्रॉबेरी शेक बनाना भी तो सिखाना है ना? Come on यार तुलिका, तुम इतने दिनों बाद आई हो, ना शेफ कहीं जा रहा और ना स्ट्रॉबेरी, बहुत टाइम के बाद हम लोग मिले, कुछ अपने बारे में बताओ ना। सन तुम्हें पता है तुम इकलौते हो जो मेरी बातें सुनना चाहते हो, वरना सब लोग तो हमेशा मुझे यही कहते रहते हैं कि तुलिका हो गया अब बस भी करो। बेवकूफ है वो लोग, तुम बहुत अच्छी बातें करती हो। तुलिका तुमने मुझे रोज का जवाब अभी तक नहीं दिया। संत, हर चीज का जवाब बोल के नहीं दिया जाता है। अच्छा चलो स्ट्रॉबेरी शेक पिला के जवाब देती हूँ। क्या ऐसे क्या दिख रही है? क्या बात है, ये फूल वूल? हाँ क्यों, जैसे तुझे पसंद नहीं है ना? अच्छा तुम हमारे लिए लाए हो, क्योंकि तुलिका तो कमला भाभी को लेकर मॉल गई है ये दिखाने के लिए कि क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कैसे होती है। आह गौरी तू भी ना, कॉस्ट तेरे लिए। थैंक यू। आह एक और चीज है, तेरी फेवरेट वाली चॉकलेट। पांडे सुनना, कुछ और भी है, तेरे फेवरेट सिंगर के गानों की सीरी। तुझे पता है जब तू मिर्जापुर में बच्चों को संगीत सिखाया करती थी, मैं तुझे चुप चुप के देखा करता था। वैसे
बात क्या है मिस्टर पांडे? क्या बात क्या होगी? देखो ना शिव, हम ना ये पार्टी में नहीं जाने वाले। अगर अगर तुम्हें जाना है ना तो तुम बिल्कुल जाओ। यार ये तुम्हें जाना है तो जाओ हमेशा कंफ्यूज करता है। इसका सिंपल मतलब होता है तुम जा सकते हो, लेकिन इसका हिडन मतलब होता है तुम जाओ लेकिन बेटा अपने रिस्क पर। शिव क्या हुआ, कहाँ कहाँ खो जाते हो आजकल? खो जाता हूँ मैं? खो जाता हूँ कहाँ? खो जाता हूँ नहीं, कहीं नहीं खोता। अब मैं क्या कह रहा था कि गौरी एक घंटे की तो बात है ना, विंग्स वालों के साथ थोड़ा सा ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे तो हमारे करियर के लिए अच्छा होगा। वही तो शिव, वही तो। क्या हम ये करियर चाहते थे? अच्छा तुम एक बात सच सच बताना, क्या तुम सिर्फ ब्रांड्स या प्रोग्राम्स के लिए विंग्स में इंटरेस्टेड हो? गौरी ये तू भी जानती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा सिर्फ एक इंटरेस्ट है और वो है जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा तेरे साथ टाइम बिताना। हाँ आई मीन तू सही कह रही है। ओके, विंग्स वालों को मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि प्रोफेशनल रिलेशनशिप ऑफिस तक ही बेटर लगती है। हम जानते थे तुम हमारी बात कभी नहीं टालोगे। अब तो अभी तुम फ्री हो? फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ, एकदम फ्री हूँ, 100% डिस्काउंट पे। बोलो तुम और तुम्हारी ये लाइंस। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ना हमें मॉल तक ड्रॉप कर दो। एक्चुअली तुरिका के 10 मैसेजेस आ चुके हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान है, उसे ड्रेसेस सेलेक्ट नहीं हो रही है और ऊपर से कमला भाभी हर ड्रेस को देखकर यही बोलती है कि इसका आधा हिस्सा कहाँ चला गया। बेचारी तुरिका फ्रस्ट्रेट हो गई होगी। चल मैं तुझे मॉल तक ड्रॉप कर देता हूँ। तो तुम भी शॉपिंग में हमारे साथ रहना? नहीं यार आज नहीं, आज घर पे ना काम है, वो इलेक्ट्रीशियन एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके तो नेक्स्ट वीकेंड हम सब साथ में जाएंगे। बेटा शिव पांडे आज तेरी जिंदगी का बहुत बड़ा टेस्ट है। हाँ, विंग्स वालों से दोस्ती करके उनके मन में कौरी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जगाना है, जगाना है, जगाना है। सो ऑल द बेस्ट शिव पांडे। ओए एक बात और, एक घंटे में पार्टी से खिसक जाना है। अगर इस झूठ से गौरी के लिए कुछ फ्रूटफुल निकला तो गौरी तुझे माफ कर देगी, श्योर है। हाँ पर यार अभी अगर गौरी को कुछ भी बताया ना तो बेवजह झगड़ा हो जाएगा। करेक्ट। हाँ जानेमन, सुन प्लान वही है, जल्दी जाके आना है, लेकिन मैंने गौरी को कुछ नहीं बताया इसलिए तू तुलिका को कुछ नहीं बताएगा, समझा? यार ये कोई बोलने वाली बात है, डोंट वरी ब्रो। बाय बाय। चाबी चाबी, अरे भाई हेलो मिस्टर खन्ना। हाय। ओह हाय, हाउ आर यू सर? आई एम गुड। हाय शिव, हाउ आर यू? ऑसम सर, ऑसम, प्लीज। थैंक यू। तो सर ये गौरी कहीं नजर नहीं आ रही है। गौरी क्या बताऊं सर, हम दोनों तो यहाँ निकलने के लिए गाड़ी में बैठ चुके थे पर अचानक से उसे चक्कर आने लगे। हमने सोचा शायद थोड़ी देर में सही हो जाएगा, हम निकले लेकिन उसकी तबीयत फिर और ज्यादा खराब हो गई। सो अरे कोई बात नहीं शिव, आई होप कि कुछ मेडिकल इमरजेंसी नहीं। हाँ सर कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, वो आजकल डांस प्रैक्टिस ज्यादा कर रही है ना और खाना पीना कम हो रहा है बस इसलिए। वैसे शिव ये गौरी को क्या हुआ आजकल, गुस्से गुस्से में रहती है, ठीक तो है वो? उस दिन मैं उससे फोन पे बात कर रहा था कि क्या बात कर रहे हैं सर, गौरी और गुस्सा? नहीं सर गौरी को तो गुस्सा आता ही नहीं है। अब यू नो ना सर, गौरी के लिए ये सब कुछ एकदम नया है, यहाँ के तौर तरीके एंड ऑल, और हम लोगों को तो मुंबई की फास्ट लाइफ की आदत सी हो चुकी है ना। सो थोड़ा टाइम लगेगा बट शी विल एडजस्ट, तो हो जाएगी। ऑफ कोर्स। इनफैक्ट सर वो तो आप लोगों की बहुत तारीफ करती है। हाँ बल्कि कल ही मुझे कह रही थी कि कितने अच्छे से आप लोगों ने हमें मार्केट में फेमस कर दिया है, हम लोगों की ब्रांड बढ़ा दी है। इनफैक्ट यही चीज की तो जरूरत थी हमारे करियर के लिए। देखो सर, बीइंग द मैनेजर्स ऑफ दिस कंपनी, हमारी तो यही कोशिश रहती कि टैलेंट और क्लाइंट्स के बीच की दूरी हमेशा कम की जाए, और टैलेंट्स को भी तो थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए ना। हाँ तो कर रहे हैं ना सर, बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं टैलेंट्स। देखो शिव, अगर आप बोल रहे हो आप कोऑपरेट करोगे तो इट्स रियली नाइस, आई अप्रिशिएट दैट। पर उस दिन मैं जब गौरी से फोन पे बात कर रहा था तो उसके टोन में मुझे थोड़ा गुस्सा लग रहा था, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट हैपेंड टू हर। अरे छोड़ो ये गुस्से की बातें,
Let's party. Waiter. Okay, guys. Let's cheers. 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 Hey Shiv. Hello. Hey, hi Meenka. तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ जैसे? Excuse me, मैं तो वैसा. क्या रियल? Long time हाँ? I know. Actually, मैं अपने एक friend की birthday party में आई थी. और तुम? बाकी सब लोग कहाँ हैं? मैं actually कुछ official लोगों से मिलने आया हूँ. हाँ. Official and all, huh? How boring, Shiv. वैसे तुम्हारा क्या चल रहा है आजकल? मेरी लाइफ में पार्टीज के अलावा फिलहाल कुछ नहीं चल रहा। I mean काम, काम। काम, बस यार सोच रही हूँ डैड का बिजनेस ज्वाइन कर लूँ। As an intern? सही है यार, तुम तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई अपने प्रोफेशन को लेके। हाँ शिव, एक्चुअली तुम्हारी कंपनी में रह के मैंने एक चीज तो सीख ली है कि लाइफ में अगर सीरियस नहीं होना तो ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकते। ये सब तुमने मेरी कंपनी में सीखा? या इन अ वे तुम्हारी लाइफ से मैंने ये सीखा है कि लाइफ में सीरियस नहीं होना तो बहुत नुकसान हो सकता है। अब गौरी को नाराज किया, तुलिका को भड़काया और मैं शिव, मैं तो तुमसे काफी ज्यादा तंग आ गई थी। क्या यार मेनका, इतने टाइम के बाद मिले और तुम अभी मेरी टांग खींच रही हो? Shiv, this is my favorite song. चलो ना डांस करते हैं। अरे खत्म तो करने दे। छोड़ो ना, जाने दो, बाद में पीना। चलो चलो चलो। Dancing amazing, बहुत अच्छा डांस कर रहा है। I like it. तो माननी पड़ेगी, आप तो काफी अच्छा डांस कर लेते हो, वो भी गौरी के बिना। हम तो देखते रह गए भाई। हम देख रहे थे आपको। वो लड़की कंपटीशन में थी ना? हाँ, वो लड़की भी थी कंपटीशन में। राइट। कंपटीशन में तो कई लड़कियां हों, लेकिन जीती हमारी गौरी श्रीवास्तव थी। राइट। अब आप लोग कुछ खा नहीं रहे, कुछ ऑर्डर किया? वेटर झूठ कहे तो कहो, आज ना तुलिका ओ जादुई कार्ड का कमाल हम देख ही लिए। कैसे ना कार्ड से हम इतना सारा सामान खरीद कर ले आए। वैसे हम ना आज बहुत ज्यादा थक गए हैं। गौरी तुलिका, हम ना अपने कमरे में जाते हैं और पाँव को ना गर्म पानी में डालते हैं, आराम मिलेगा। हाँ आराम से भाभी। हाँ बहुत थक गए हम तो, बाप रे। ये क्या है, ये लोग कहाँ मिल गए?
कौन लोग? अरे देख ना, ये शिव और मेनका। Parting with friends and bumping into old friends at the pub? ये क्या है? और ये तो वना पहले की फोटोज है। लेकिन उसने तो कहा था कि उसे घर पे काम है। यही कहा था उसने। हाँ शेफ, बोलो। हे गौरी, बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। कल सुबह 10 बजे घर आऊंगा, हाँ रेडी रहना। जो तुम्हें ठीक लगे शेफ। ये कैसा रिस्पॉन्स था?